हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। रवि पालवी व्लॉग में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दिन की शुरुआत एक नई व्लॉग के साथ बने रही है हमारे व्लॉग में। तो आज सभी को सबसे पहले मेरी और मेरे पूरे परिवार की तरफ से हैप्पी जन्माष्टमी। तो जी, जन्माष्टमी पर किस किस में क्या क्या बना कमेंट करके जरूर बताना। राधा खाना जाके आ रही है क्या? तो क्या करना, जाके की वीडियो लाओगे? जाके आ रही बाहर रोड पे, ले आइए थोड़ी देर में। जाकी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। बहुत अच्छी लगी मुझे तो। गांव में ऐसे जाकी निकलती हुई, और ये देखो राधा कृष्ण भी बहुत अच्छे डांस कर रहे थे। तो जी, जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पे सबसे पहले बनाऊंगी मैं कान्हा जी को भोग लगाने के लिए पेड़। तो जी वो मावाया अभी थोड़ा ही और भी निकाल लूंगी मैं अभी, क्योंकि अभी ना धूप हो रही है। एक तो और अभी रेनू पात पका रही चलाई के लड्डू भूनने के, मतलब चलाई के लड्डू बनाने के लिए पात पका रही रेनू। तो इसीलिए मैं सोच रही थी ना मैं पेड़े बना दूँ, और फिर उसके बाद जब मैं देखूँ क्या करूँगी। सबसे पहले तो बहुत सारा चीज़ बनाने को मन तो कर रहा, लेकिन धूप को देख के ये मन कर रहा कि कुछ भी ना बनाया बस, लेकिन बनाना तो पड़ेगा ही। तो चलो जी, लग जाते हैं अपने काम पर। चलो थोड़ा सा ही बनाओ। थोड़ा सा ही है का? हाँ थोड़ा सा ही है भाई। ये ज़्यादा है। ये भी बहुत ज़्यादा बन गया ना, गंदे हाथ नहीं लगाते। तो ये देखे जी, हमारी पात बनकर हो गई है तैयार। और अब जब बनाने हमें सूजी के नहीं, मतलब अब हम बनाए हमें, अब हमें बनाने चलाई के लड्डू।
ये पूछा ना चिन्नी तमा पड़ा पड़ा लगती है ये तो पड़ जाएगी मिस्त्रो मार चक्के नहीं होती कि चिन्नी का ऐसे नहीं बढ़िया सारे बढ़िया हो जाएंगे मेरे तो मैं तो मैं बात करना चाहती हूँ मेरे पानी का तो लग रही है अब मैं देखती हूँ मैं चिन्नी के लिए बहुत दुकान लोगों में ऐसे काम है पट्टी का मैं सिलाएगी गरम हो रहा है तो जी मैंने इधर चूल्हा जला लिया है और वो तो जी खा दिया मैंने चुलाई के लड्डू बनाते हैं अब जब मैं सूजी बुन लूंगी इसकी वीडियो बना दो ये काम कर रहा क्या काम है यो ये लगा उसके चटरी में चीकू ने हवा ने मार हवा क्या कढ़ाई में ना दो लीटर बड़े तो देखिए जी मैंने सूजी डाल ली है अब जब सूजी भून लूँ फिर चक्के बनाएंगे और चक्के बनाने से पहले मुझे बेसन के लड्डू बनाने हैं तो मिलते हैं जी सूजी भूनने के बाद में दिखाएंगे जब सूजी भून जाएगी तो देखिए जी यहाँ पर सूजी हमारी भून चुकी है अब जब हम पतीली में निकाल लूँगी परात में सॉरी हाँ डाल दो डाल लूंगी अभी हाँ जी को। पैसे अपने पापा जी तो पूछ ले बेटा मेरे पता है नहीं वो तो मेरे ये देख मुझे दिख रहे अंदर ही देख मेरे भैंस के लिए ना आटा सा बोल रहे भैंस की तबीयत खराब हो रही है उसकी बेटा रविया कैसी लग रही कमेंट करके जरूर बताना तो देखे जी सूजी मैंने यहाँ पर रख लिया भून के और पहले ना मैं यहाँ पर बेसन भून ली अब जब तो लड्डू बनाऊंगी पहले फिर बाद में चक्के बनाऊंगी क्योंकि पात जमा के वो तो अब जमा नहीं है बस सबसे पहले अब जब बेसन भूनने में तो देखो जी मैंने बेसन ठंडा होना रख दिया था तो बेसन हमारा ठंडा हो चुका है अब लड्डू बनाऊंगी और ये सूजी के चक्के बनाए थे ये अच्छे नहीं जमे देखो खिल गई
तो मैंने यहाँ पे हवा में रख दिए थे ठंडे होने, अब किसी बर्तन में रख दूंगी। और इधर ये पेड़े थोड़े हैं, ये किसी चीज में धरे जाते, इस वाले टिफिन में रख दूँ, ये बड़ा का टिफिन पी रहे हैं। थोड़ी देर में देखेंगे वो बताओ कि बाहर ना खराब हो जा। तारा रिशाला हला हो थाड़ी पे इंगा पूछता पर करने के वो छेड़ना और चलता।